स्वागत है आप सबका अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर में। आज हम आपको बताएंगे अमिताभ की फिल्म सौदागर के बारे में। कोई कहे भौंरा मुझे कोई दीवाना। ये दिलीप और राजकुमार वाली वो सौदागर फिल्म नहीं है। इस साल तो रस की कमी नहीं माजो भी। फिर तो तुम्हारी कमाई ही कमाई है। और तुम्हारी नहीं? इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। 1973 में बनी फिल्म सौदागर भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन इसमें अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना, इनके शानदार अभिनय की आज भी लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं। सो गए क्या? नहीं तो इधर कुछ दिनों से रस की हांडियां ज्यादा ला रहे हो, क्या बात है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मल्लिक बाबू से मैंने कुछ पेड़ और ले लिए। इस खूबसूरत कहानी को पर्दे पर सुधेंदु रॉय के निर्देशन में उतारा गया था। अजीज जी, हाँ हाँ। सलाम अलैकुम मल्लिक बाबू। क्यों, क्या बात है? मल्लिक बाबू कुछ पेड़ चाहिए। उस दिन आपने कहा था जितने पेड़ चाहिए ले जाओ। हाँ हाँ, कितने चाहिए? कोई 40-50। खास बात ये है कि इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया जा चुका है। फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जातिया और सुभाष घई थे, जबकि पटकथा लेखन का कार्य सुधेंदु रॉय और पीएल संतोषी ने इसके संवाद लिखे हैं। 2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म को 26 अक्टूबर 1973 को रिलीज किया गया था। अब बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो मोती अपनी पत्नी और बिजनेस पार्टनर मजूबी को उससे पैसे कमाने के बाद छोड़ देता है और फूल बानो से शादी कर लेता है। आफत टली, दिन रात बैठे बैठे डायन की तरह कोसा करती थी, गस गस भर लंबी आहें भरा करती थी। चलो जान बची। फूल बानो वही महिला होती है जिससे वो वास्तव में प्यार करता है। हालांकि विश्वासघात का ये खेल मोती के लिए महंगा साबित होता है। अच्छा तो खुद बाजार चले जाओ, बेच के दिखाओ। गलती से अगर कोई गुड़ खरीदेगा तो तेरी सूरत देख के, गुड़ देख के नहीं, समझी? ये एक लौटी फिल्म जिसमें नूतन के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनाई गई थी। डूबते हुए को बहुत है दिन के का सहारा। इसके बाद किसी भी फिल्म में बिग बी को उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। वहीं 1994 में इंसानियत में नूतन ने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया था। तुम नहीं जानते, कुछ लोग कुत्ते बिल्ली से भी नीच होते हैं, शैतान से भी बदतर। इसके अलावा ये भी तथ्य है कि प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जातिया को अमिताभ बच्चन पहले पसंद नहीं थे। इसकी वजह उनकी हाइट थी, लेकिन बिग बी की फिल्म आनंद में शानदार अदाकारी देखकर बड़जातिया ने अपनी राय बदल दी थी। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। कई फिल्मों में आइटम नंबर और छोटे मोटे किरदार करने के बाद आखिरकार पद्मा को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। लेकिन सबकी रोजी रोटी रस से तो नहीं चलती। तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते जिससे हमारा जीवन सुखी रहे? न तुम्हें कोई शिकायत हो न मुझे। इस मौके को पद्मा ने पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने फिल्म में एक गांव की लड़की का किरदार निभाया है। सजना है मुझे सजना के लिए, इस फिल्म का गाना है जिसे पद्मा पर फिल्माया गया है। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की फिल्म सौदागर। ऐसे ही आगे हम आपको उनके करियर में की गई हर एक फिल्म के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।